हेलो दोस्तों, आज 10 नवंबर है और आज का दिन धनतेरस का दिन है। इसके लिए बहुत बहुत आप सबको धनतेरस की शुभकामनाएं। और आज मैं इस पे आज हम लोग गोल्ड खरीदने के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि मैं आज मार्केट गया हुआ था और मैंने देखा कि बड़े बड़े जो शोरूम्स हैं, गोल्ड के शोरूम, जैसे कि तनिष्क जैसे शोरूम्स या और भी बहुत सारे ज्वेलरी के शॉप्स हैं, सब में लोगों का इतना भीड़ लगा हुआ था गोल्ड खरीदने के लिए। मैं काफी ताजुब था कि इतने सारे क्राउड में लोग आज के डेट में भी ज्वेलरी खरीद रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट के पर्पस से। तो मैं काफी सरप्राइज था। और ये सब देखते हुए मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड एक जो अच्छा चीज, जो शायद आई डोंट नो कि लोगों को पता है या नहीं है, बट मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों को पता होगा, बट काफी लोग रिलेक्टेंट होंगे इस चीज को जानते हुए भी इस चीज में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड बॉन्ड के बारे में, जो कि बिल्कुल गोल्ड की तरह ही आपका इन्वेस्टमेंट होता है, गोल्ड की तरह ही सारा इसका मार्केट फ्लक्चुएशन प्राइस में होता है और गोल्ड की तरह ही बिल्कुल आपका पैसा सेफ है इसमें। तो आइए आज हम बात करते हैं सेवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में, जो कि आरबीआई के द्वारा इश्यू किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसका रिसीट भी, उसका एक रिसीट मिलता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मिलता है। तो ये जो पैसा है गोल्ड बॉन्ड में जो हम पैसा डालते हैं, ये बेसिकली हमारा सारा पैसा जो है रिजर्व बैंक के पास जाता है और उसके एवज में हमें उतने जितना हम पैसा देते हैं उतने पैसे का हमको वो हमें गोल्ड मिलता है। वो गोल्ड मिलता है मतलब कि हमें डिजिटल गोल्ड मिलता है, बेसिकली एक सर्टिफिकेट मिलता है आरबीआई द्वारा, जिसकी वजह से हमें, हमारे पास एक अथॉरिटी होता है, एक सर्टिफिकेट हो जाता है कि हमने इतना गोल्ड खरीद कर रखा हुआ है। तो ये जो है सर्टिफिकेट आपका आपके पास रहता है, ऑनलाइन आता है आपके अकाउंट से, वो गोल्ड बॉन्ड जुड़ जाता है, जिस अकाउंट से भी आप खरीदते हैं वो अकाउंट में उसका गोल्ड बॉन्ड का सर्टिफिकेट भी रहता है और उसका पैसा उसमें एक जैसे सेविंग्स अकाउंट की तरह वहां पे गोल्ड बॉन्ड वाला भी एक ऑप्शन रहता है, इसमें जिसमें क्लियरली पता चलता है कि आपने गोल्ड बॉन्ड में पैसा डाला है और वो ऑलरेडी दैट इज लिंक, वो लिंक रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो इसमें आपको कोई ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपका सिर्फ सर्टिफिकेट है तो आपका गोल्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बैंक बैंक जो है दैट बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अटैच है, लाइसेंस्ड है गोल्ड को इश्यू करने के लिए। तो इसलिए बैंक जो है ऑन द बिहाफ ऑफ रिजर्व बैंक, जो भी बैंक है या पोस्ट ऑफिस है, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन ये गोल्ड बॉन्ड इश्यू कर सकते हैं, ये पैसे जमा मतलब गोल्ड बॉन्ड के लिए पैसा जो जमा करते हैं वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन पैसे जमा कर सकते हैं कस्टमर के लिए। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि गोल्ड बॉन्ड में सबसे बड़ा फायदा क्या है। गोल्ड बॉन्ड सबसे पहले ये जानते हैं कि गोल्ड बॉन्ड होता क्या है। तो ये मैं आप देख सकते हैं कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट है, उस पे मैंने क्लियरली ये पेज मैंने खोल कर रखा हुआ है कि ताकि हम डिटेल्स में जान सकें कि बेसिकली ये गोल्ड बॉन्ड है क्या। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं इसमें जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेवरिन गोल्ड बॉन्ड एंड हु इज द इशुअर, यानी कि गोल्ड बॉन्ड है क्या और इसे इशू कौन करता है। तो सेवरिन गोल्ड बॉन्ड्स आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड, जो कि एक मतलब जो भी है आपको एक ग्राम ग्राम में भी मिल जाता है, मतलब एक छोटे से छोटे आप बोल सकते हैं कि पीसेस में अगर आपको गोल्ड चाहिए तो इसके थ्रू आप गोल्ड ले सकते हैं। ठीक है, ये जो है दे आर सब्स्टिट्यूट फॉर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड, मतलब कि आप फिजिकल गोल्ड जैसे रखते हैं वैसे आप इसको ये गोल्ड भी रख सकते हैं, देर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। इन्वेस्टर्स हैव टू पे द इशू प्राइस इन कैश एंड द बॉन्ड्स विल बी रिडीम्ड इन कैश ऑन मैच्योरिटी, यानी कि जो भी पैसा आप आपको गोल्ड बॉन्ड जो आप खरीदते हैं तो उसके लिए आपको कैश देते हैं बैंक के थ्रू और उसके एवज में आपको वो बॉन्ड मिलता है, और वो बॉन्ड जो है जब भी आपका मैच्योरिटी होता है तो वो एन कैश हो जाता है, आपके अकाउंट में वापस वो पैसा आ जाता है। द बॉन्ड इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो है ये पैसा जो है, ये देखिए बॉन्ड इज इशूड, ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, दिस इज द गोल्ड बॉन्ड है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में इशू होता है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में इशू होता है। तो इसमें कोई टेंशन की कोई जरूरत ही नहीं है, जैसे कि हम आम लोग जो है, जैसे हम लोग एक
एक माइंडसेट बना रहता है कि गवर्नमेंट बैंक में हम कुछ डालें या गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ रहे, हमारा ज्यादा सेफ्टी है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं कि ये जो सेफ्टी बैरियर है ये गवर्नमेंट का बैरियर है, इसमें कोई टेंशन का कोई जरूरत ही नहीं है और ये आपका पैसा बिल्कुल 100% सेफ है। ठीक है, अभी अब हम आते हैं कि व्हाई शुड आई बाय सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड रादर देन फिजिकल गोल्ड, व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो हम आइए इस पे बात करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड फॉर विच द इन्वेस्टर पेज इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, जो भी आप क्वांटिटी गोल्ड का खरीदते हैं, ठीक है, वो आपका प्रोटेक्टेड है। आपने जितना खरीदा उतना ही आपका क्वांटिटी रहेगा, क्वांटिटी सेम रहेगा। सिंस ही रिसीव द ऑनगोइंग मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, प्रीमैच्योर रिडेम्पशन। ओके, क्योंकि उस समय जब भी आप रिडेम्पशन करते हैं उस गोल्ड को, उस समय का जो भी प्राइस रहेगा, जनरली गोल्ड का भी प्राइस ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट करता है, तो जिस समय आपका रिडेम्पशन होगा, रिडेम्पशन के टाइम में जो भी गोल्ड का प्राइस होगा वो आपको उतना क्वांटिटी में, और क्वांटिटी जो ऑलरेडी आपका फिक्स है, प्राइस केवल फ्लक्चुएट होगा, तो उस प्राइस के हिसाब से आपका जो भी पैसा बनता है वो पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ऑफर्स ए सुपीरियर ऑल्टरनेटिव टू होल्डिंग गोल्ड इन फिजिकल फॉर्म। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको स्टोरेज का कुछ झंझट नहीं है, स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं है, प्लस कहाँ रखे कैसे रखे, चोरी चोरी का कुछ डर नहीं है। और बहुत लोग क्या करते हैं, बैंक में लॉकर भी ले लेते हैं ताकि हम गोल्ड को उसको सेफ, ज्वेलरी हो या जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए हमने गोल्ड खरीदा है उसको उसको सेफ करने के लिए हम लॉकर भी ले लेते हैं, तो लॉकर का खर्चा वगैरह भी हमें बेयर करने की जरूरत नहीं है। द रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज आर एलिमिनेटेड। इन्वेस्टर्स आर एश्योर्ड ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी एंड पीरियडिकल इंटरेस्ट। अब इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में हमें साथ में हमको जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट अभी 2.5% का जो इंटरेस्ट आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। नॉर्मल गोल्ड हम खरीदेंगे फिजिकल गोल्ड, उस फिजिकल गोल्ड से हम क्या होगा, वो फिजिकल गोल्ड लेके हम घर में रख देंगे, उसके बाद क्या होगा, वो सिर्फ एक प्राइस का फ्लक्चुएशन को हमें बेनिफिट मिलेगा, उसके अलावा हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या है, गोल्ड बॉन्ड में क्या है, गोल्ड बॉन्ड में हमें 2.5% का ईयरली एक्स्ट्रा एडिशनल जो इनकम भी हमें मिल रहा है, जो कि हमारे अकाउंट में हर एवरी 6 मंथ हमारे अकाउंट में जमा होते जाता है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है और ये लॉन्ग टर्म के लिए 7 साल 8 साल के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। गोल्ड बॉन्ड इज फ्री फ्रॉम इश्यूज लाइक मेकिंग चार्जेस। सबसे बड़ा एडवांटेज गोल्ड बॉन्ड में कोई मेकिंग चार्ज नहीं है। हम जाते हैं कोई ज्वेलरी शॉप में ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हैं, तो अभी जैसे कि मैं गया था शोरूम्स में, मैं देखा कि वहां पे मेकिंग चार्जेस लगा हुआ है। कितना मेकिंग चार्जेस और जीएसटी दोनों मिला के, अगर कॉइन कोई ले रहा है, कॉइन के लिए लग रहा है 10% का इंटरेस्ट। 10% मतलब कि आज के डेट में 62,000 का जो रेट चल रहा है गोल्ड का, 62,000 के लिए एक कॉइन लेने के लिए 10 ग्राम का हमको 68,000 रुपीज पे करना पड़ रहा है, यानी कि 6,000 रुपये एक्स्ट्रा। अब मैं आपको दिखाऊंगा वो 6,000 रुपये का कितना बड़ा बेनिफिट है अगर हम वो 6,000 रुपये अगर हम सेविंग करते हैं तो ये जो है मेकिंग चार्ज बिल्कुल नहीं है। प्योरिटी इन द केस ऑफ गोल्ड ज्वेलरी फॉर्म, ठीक है। और गोल्ड ज्वेलरी में क्या है कि अगर हम रिप्यूटेड शोरूम से लेते हैं, कुछ अच्छे खासे शोरूम से लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा मेकिंग चार्ज बहुत जाता है, जीएसटी भी बहुत जाता है। तो जीएसटी जो है, जीएसटी और मेकिंग चार्ज को मिला दें तो 30-40% का हमारा सब कुछ टैक्स में चला जाता है। यानी कि अगर 1 लाख आपने ज्वेलरी लिया तो आपका सिर्फ 60,000 का ही वैल्यू मिलेगा। तो सोचिए कितना बड़ा लॉस है, 30-40,000 रुपीज आपका लॉस होना ही होना है, और ये एक बहुत बड़ा लॉस है अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए सोचे तो, ठीक है। तो ये सब चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से कि हमें गोल्ड लेना है और हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए बेस्ट है डिजिटल गोल्ड। द बॉन्ड्स आर हेल्ड इन द बुक्स ऑफ द आरबीआई, ठीक है, ये आरबीआई के पास रिकॉर्डेड रहता है। आर देयर एनी रिस्क इन इन्वेस्टिंग इन गोल्ड बॉन्ड्स? देयर मे बी अ रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस इफ द मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड डिक्लाइंस। यस, ये हो सकता है, ये सारे के साथ हो सकता है। आप फिजिकल गोल्ड लेकर रखे हुए उसके साथ भी हो सकता है। तो फिजिकल गोल्ड हो या गोल्ड बॉन्ड हो, सबके साथ सेम इश्यू है। प्राइस फ्लक्चुएशन तो सब में होगा क्योंकि वो तो मार्केट ड्रिवेन है, तो उसके उसके साथ भी होगा, डिजिटल गोल्ड के साथ भी होगा, फिजिकल गोल्ड के साथ भी होगा। तो इसमें इसमें कोई घबराने का कोई जरूरत नहीं है।
हु इज एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एज डिफाइंड अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एज डिफाइंड अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. Eligible investors include individuals, trusts, universities, and charitable institutions. Individual investors with subsequent change in residence status from resident to non-resident may continue to hold sovereign gold bond till early redemption या maturity. ये कोई भी लोग यहाँ पे individual भी ये bond खरीद सकता है, trust भी खरीद सकता है, universities, charitable institutions और individual investors, कोई भी आदमी जो resident है ठीक है वो लोग ये गोल्ड बॉन्ड खरीद सकता है. अब हम बात करते हैं कि वेदर ज्वाइंट होल्डिंग विल बी अलाउड. यस ज्वाइंट होल्डिंग इज अलाउड. ओके यहाँ पे देख सकते हैं ज्वाइंट होल्डिंग इज अलाउड. कैन अ माइनर इन्वेस्ट इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड? यस द एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर हैज टू बी मेड बाय हिज गार्जियन. वेयर कैन इन्वेस्टर्स गेट द एप्लीकेशन फॉर्म? एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप किसी भी बैंक से बैंक से या डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस में आपको मिल जाएगा. ये नॉर्मली आजकल हर बैंक में ये फैसिलिटी अवेलेबल है. आप किसी भी बैंक में जाके आप अगर पूछेंगे कि गोल्ड बॉन्ड में हमें इन्वेस्ट करना है तो वो लोग आपको डायरेक्शन देंगे. आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आपको किसी बैंक में भी जाने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट आपको ऑनलाइन आपका जो सेविंग्स अकाउंट है उसके थ्रू भी आप गोल्ड बॉन्ड आसानी से घर बैठे आप खरीद सकते हैं. तो इसमें कहीं आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है. आपका जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें गोल्ड बॉन्ड का ऑप्शन रहता है. आप उसमें जाइए, आप उसमें डायरेक्ट अपना जितना भी चाहे सो कितना भी जितना आपके कैपेसिटी हो उसके हिसाब से आप गोल्ड खरीद सकते हैं, आसानी से खरीद सकते हैं. व्हाट इज द मिनिमम मैक्सिमम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट? इसका एक लिमिट है कि कितना हम खरीद सकते हैं कितना नहीं, ठीक है, कितना ज्यादा ज्यादा कितना कम से कम. तो इसमें हम बात करेंगे. ये देखिए द बॉन्ड्स आर इश्यूड, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. द बॉन्ड्स आर इश्यूड इन डिनोमिनेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. यानी कि आप 1 ग्राम कम से कम 1 ग्राम आप खरीद सकते हैं एंड इन मल्टीपल्स ऑफ देयर ऑफ, मतलब 1 ग्राम के मल्टीपल में आपको आराम से मिल जाएगा जो गोल्ड है. मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड शैल बी 1 ग्राम, मतलब कम से कम आपको 1 ग्राम लेना पड़ेगा विथ अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ 4 kg फॉर इंडिविजुअल्स. मतलब 4 किलो का सोना एक आदमी खरीद सकता है मैक्सिमम, ठीक है. एक फिस्कल ईयर में एक आदमी मैक्सिमम 4 किलो गोल्ड खरीद सकता है और जो ट्रस्ट है वो मैक्सिमम 20 किलो गोल्ड खरीद सकता है. इन केस ऑफ ज्वाइंट होल्डिंग द लिमिट अप्लाइज टू द फर्स्ट एप्लीकेंट, ठीक है. तो ज्वाइंट होल्डिंग में जो है लिमिट जो है फर्स्ट एप्लीकेंट में अप्लाई होता है. कैन ईच मेंबर ऑफ माय फैमिली बाय 4 kg इन देयर ओन नेम? यस यस, यहां पे आप देख सकते हैं घर का हर एक मेंबर 4 किलो अगर चाहे खरीदने के लिए सोना तो खरीद सकता है. यस ये जो है देखिए, ये मैं बात कर रहा हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्ट ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ. और ये जो है आप इसके थ्रू, ये एक तरह का गाइडलाइंस देता है, आप इसके थ्रू जो भी आपका डाउट है आप गो थ्रू करके इसके गोल्ड बॉन्ड में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. अभी देखिए कैन एन इन्वेस्टर बाय 4 kg या 20 kg वर्थ ऑफ गोल्ड बॉन्ड एवरी ईयर? यस एन इन्वेस्टर कैन बाय 4 kg वर्थ ऑफ गोल्ड एवरी ईयर बिकॉज हर फिस्कल ईयर में ये एप्लीकेबल है. 4 kg जो है मैक्सिमम इंडिविजुअल के लिए और ट्रस्ट के लिए 20 किलो एवरी ईयर खरीद सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड हाउ विल द इंटरेस्ट बी पेड? सी दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. आप ये देख सकते हैं कितना, ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है. क्या है ये? द बॉन्ड्स बेयर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2.5% फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट विल बी क्रिएटेड सेमी एनुअली टू द बैंक अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर एंड द लास्ट इंटरेस्ट विल बी पेबल ऑन मैच्योरिटी अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल, ठीक है. यानी कि 2.5% आपको हर साल मिलेगा. 2.5% का जो इंटरेस्ट है आपका ईयरली इंटरेस्ट, वो आपको हर 6 महीने पे आपको आपके अकाउंट में जमा होते जाएगा. ये कितना अच्छा है, मतलब आपको नहीं पता कि आप कितना इसमें सेविंग कर सकते हैं, कितना बड़ा इसमें पोटेंशियल है. अगर आपका छोटा सा अमाउंट भी अगर रहता है, मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा कि छोटा सा अमाउंट में हम लोग कितना बड़ा गेन करते हैं जो कि हमें पता नहीं चलता. डे टू डे लाइफ में हम लोग इतना बिजी रहते हैं हमें पता ही नहीं चलता. हम लोग बोलते हैं यार
क्या फर्क पड़ता है, 2,000 4,000 ही तो है, क्या है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है कुछ, क्योंकि हम केयर नहीं करते, हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम उस पर फोकस नहीं रहते, इसकी वजह से हम पैसे को बहुत ज्यादा नुकसान भी करते हैं। तो अगर हम ये छोटी छोटी बातें अगर ध्यान में रख के काम करें तो मैं कितना बड़ा हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं आपको मैं दिखाऊंगा। हु आर ऑथराइज एजेंसी सेलिंग द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स? बॉन्ड्स आर सोल्ड थ्रू ऑफिस और ब्रांचेज ऑफ नेशनलाइज बैंक। कोई भी बैंक, SBI हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कोई भी बैंक जो भी नेशनलाइज बैंक है, शेड्यूल प्राइवेट बैंक ICICI HDFC, ठीक है, और जो भी प्राइवेट बैंक आपको पता है वो सारे, इंडसइंड बैंक, सब कुछ, एक्सिस बैंक, सब में गोल्ड बॉन्ड की फैसिलिटी है, आप वहां से खरीद सकते हैं। शेड्यूल फॉरेन बैंक कोई भी है, HSBC है, स्टैंडर्ड चार्टेड है, सारे बैंक में आप वो फैसिलिटी अवेलेबल, आप जाके गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में भी, गाँवों में जो भी है जो रहते हैं आप पता कर सकते हैं कि वहां पे पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस में वो गोल्ड बॉन्ड का फैसिलिटी है कि नहीं, प्रॉब्ली होना चाहिए, अगर वहां नहीं होगा तो आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होगा, वहां से आप खरीद सकते हैं। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड ऑथराइज स्टॉक एक्सचेंजेस इधर डायरेक्टली और थ्रू देयर एजेंट्स, यानी कि आप NSE BSE में भी आप खरीद सकते हैं गोल्ड बॉन्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी आप गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। इफ आई अप्लाई एम आई अश्योर्ड ऑफ अलॉटमेंट? यस, आप एक बार अप्लाई करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाता है और अगर वो सब कुछ क्लियर है तो आपको, आप ये स्टॉक की तरह नहीं है कि हमने ये प्राइस रखा तो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपका जो बेसिक जो RBI का जो रूल्स है, जो क्राइटेरिया है रेजिडेंट इंडियन होने का, उसके हिसाब से अगर है तो आपको 100% वो मिलेगा, वो आपको गोल्ड बॉन्ड मिलेगा, ओके। और वो कुछ दिन के बाद उसका एक सर्टिफिकेट आ जाता है, हम 15 से 20 दिन, एक बार आपने जब परचेज किया, परचेज होने के बाद 15 से 20 दिन के बाद आपका एक सर्टिफिकेट आता है और आपको मेल पे भी, या मेल पे सर्टिफिकेट आता है वो आपको, और जिस बैंक से आप पैसा दिए होते हैं गोल्ड बॉन्ड के लिए उसमें भी एक मैसेज आता है, एक सर्टिफिकेट अटैच होके आता है आपके गोल्ड बॉन्ड के लिए, ठीक है। और ये जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आसानी से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आपको उसमें कोई झंझट नहीं है, किसी भी बैंक के ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा आप ये गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। अब जो है एक चीज सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात, एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड्स आर सोल्ड? ये जो गोल्ड बॉन्ड है ना, गोल्ड बॉन्ड में सबसे एक और फायदा क्या है, जब हम ऑनलाइन लेते हैं जो मार्केट प्राइस होता है ना, उस मार्केट प्राइस से सपोज आज के डेट में अगर 62,000 का जो 24 कैरेट का गोल्ड का जो प्राइस है, तो 62,000 का जो प्राइस है वो उसमें 1 ग्राम का कितना हुआ, 1 ग्राम का 6,200 रुपये हुआ, तो 1 ग्राम पे आपको ऑनलाइन आप खरीदने जाते हैं तो 50 रुपये का डिस्काउंट में मिलता है, यानी कि 6,200 की जगह पर 6,150 रुपये का आपको पड़ता है। तो देखिए कितना बड़ा फायदा है ऑनलाइन का, तो आपको क्या क्या उसमें सेविंग आप कर रहे हैं, आपका मेकिंग चार्ज नहीं लग रहा है, मेकिंग चार्ज नहीं लग रहा है, आपका स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं है, टैक्सेस आपके बच रहे हैं, और इसके अलावा ये फायदा होने के अलावा आपको अलग से आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है 2.5% का। तो अगर सच में देखिए तो जो आपको फायदा है ज्वेलरी के रेस्पेक्ट में गोल्ड बॉन्ड से अगर हम कंपेयर करें तो आपको ऑलमोस्ट डबल का फायदा है। एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड्स आर सोल्ड? तो ये जो है जब आपको मैच्योरिटी जब पूरा होता है, मैच्योरिटी जब पूरा होगा तो जो आपका के बाद जो लास्ट 3 दिन का जो ये होता है 3 बिजनेस डेज, फॉर द लास्ट 3 बिजनेस डेज का जो प्राइस होता है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको वो प्राइस मिलता है और उसमें आपका पैसा जो आपके अकाउंट में रिलीज हो जाता है। What will I get on redemption? On maturity, the gold bond shall be redeemed in Indian rupees and the redemption price shall be based on average closing price of gold of 999 purity of previous 3 business days from the date of repayment. ठीक है, तो ये जो है वही लास्ट आपका रिडेम्पशन पीरियड जब होने वाला रहेगा उसके 3 दिन पहले का जो एवरेज प्राइस होगा उसके हिसाब से आपको पैसा, उसके रेट के हिसाब से आपको पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये जो है नॉर्मली FD की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जैसे कि हम लोग 5 से 8 से 10 साल के लिए जो हम FD करते हैं, तो इसमें आप गोल्ड बॉन्ड करें
गोल्ड बॉन्ड में आपको अच्छा खासा बेनिफिट है, क्योंकि 8 साल में जो आपका प्राइस अप्रिसिएशन भी होगा गोल्ड का, एक अच्छा खासा अप्रिसिएशन होगा। तो आपके पास अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है अपने पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करने का और पैसे को ग्रो करने का। रिडेम्पशन के लिए आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिडेम्पशन का जो प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है। वो एक बार आपके अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है, एक बार आप जस्ट एप्लीकेशन क्लिक करने का उसमें रिडेम्पशन के लिए, वो अपने आप बैंक के थ्रू RBI को मैसेज आता है, फिर वो वहां से एक मैसेज आके आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको रिडेम्पशन के लिए। कैन आई एन कैश द बॉन्ड एनी टाइम आई वॉन्ट, इज प्रीमेच्योर रिडेम्पशन अलाउड? द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड इज 8 ईयर्स। जैसे कि मैं आपको बताया कि 8 साल के लिए हमें ये पैसा रखना पड़ेगा। अर्ली इन कैश में रिडेम्पशन ऑफ द बॉन्ड इज अलाउड आफ्टर 5th ईयर। 5 साल के बाद से आप चाहें तो आप पैसे को निकाल सकते हैं। द बॉन्ड विल बी ट्रेडेबल ऑन एक्सचेंजेस। ये जो गोल्ड बॉन्ड है ये जो है आपको आप एक्सचेंज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए, इफ हेल्ड इन डीमैट फॉर्म, अगर डीमैट फॉर्म में आपने रखा है तो। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर टू एनी अदर एलिजिबल इन्वेस्टर, ये आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। वॉट डू आई हैव टू डू इफ आई वॉन्ट टू एग्जिट माई इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ प्रीमेच्योर रिडेम्पशन? ठीक है, इन्वेस्टर कैन अप्रोच द कंसर्न बैंक, ओके, 30 डेज बिफोर द कूपन पेमेंट डेट। रिक्वेस्ट फॉर प्रीमेच्योर रिडेम्पशन कैन ओनली बी इंटरटेन इफ द इन्वेस्टर अप्रोचेज द कंसर्न बैंक एटलीस्ट 1 डे बिफोर द कूपन पेमेंट डेट। ये कूपन पेमेंट डेट होता है जो कि RBI द्वारा इश्यू किया जाता है, ठीक है, हर साल। द प्रोसीड्स विल बी क्रेडिटेड टू द कस्टमर्स बैंक अकाउंट प्रोवाइडेड द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द बॉन्ड। सो बेसिकली आप 5 साल के बाद कभी भी अपने प्रीमेच्योर बॉन्ड बॉन्ड को प्रीमेच्योर वे में आप इन कैश कर सकते हैं। कैन आई गिफ्ट द बॉन्ड्स टू अ रिलेटिव और फ्रेंड ऑन सम ओकेजन? द बॉन्ड, ये देखिए, द बॉन्ड कैन बी गिफ्टेड ट्रांसफरेबल टू अ रिलेटिव फ्रेंड एनीबडी हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, एज मेंशन एट क्वेश्चन नंबर 4, द बॉन्ड शैल बी ट्रांसफरेबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 2006 एंड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2007 बिफोर मैच्योरिटी बाई एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर विच इज अवेलेबल विद द इशूइंग एजेंट्स। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट का एक जो रेगुलेशन है उसके एक्ट के थ्रू जो भी उसका प्रोसीजर है, अगर वो फिलफिल करता है तो आप ये ट्रांसफर किसी को कर सकते हैं। ये जो है इसके बारे में डिटेल्स आप बैंक में जाके पता कर सकते हैं, बैंक से पूछ सकते हैं इसके बारे में डिटेल्स अगर आपको जानना है तो। कैन आई यूज दिस सिक्योरिटीज एज कोलैटरल फॉर लोन्स? यस, आपको अगर लोन्स के लिए इस्तेमाल करना है तो आप लोन के लिए भी ये गोल्ड बॉन्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस सिक्योरिटी एलिबल टू बी यूज एज कोलेटरल फॉर लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। द लोन टू वैल्यू रेशियो विल बी सेम एज अप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी गोल्ड लोन प्रिस्क्राइब बाय RBI टाइम टू टाइम। ग्रांटिंग लोन अगेंस्ट गोल्ड बॉन्ड्स वुड बी सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ बैंक एंड कैनॉट बी इन्फोर्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है, तो ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास जो गोल्ड है उसको कितना लोन वो दे सकता है। नो, बाकी अपना फिजिकल गोल्ड की तरह है, फिजिकल गोल्ड में भी जितना बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, कोई कोई 80% लोन देता है, कोई 60% लोन देता है, तो उसके हिसाब से बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो लोन देगा बट वो कितना कितना परसेंट देगा, लेकिन यस आपको लोन मिल सकता है। व्हाट आर द टैक्स इंप्लीकेशंस ऑन इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेन? इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड्स विल बी टैक्सेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, वो आपको जो इंटरेस्ट मिला उस पर टैक्स लगेगा। द कैपिटल गेन्स टैक्स अराइजिंग ऑन रिडेम्पशन ऑफ गोल्ड बॉन्ड टू एन इंडिविजुअल हैज बीन एग्जेम्प्टेड। गोल्ड बॉन्ड के ऊपर, गोल्ड बॉन्ड जो हमने खरीदा उस पर जो प्राइस अप्रिशिएट किया उसके लिए हमको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हम इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है 2.5% का जो इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल, वो अगर वो है वो हमारा टैक्सेबल है, वो उस पर हमको टैक्स देना पड़ेगा। इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट पे हमको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन कैपिटल गेन पे हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट पे हमको देना है, कैपिटल गेन पे हमें देने की जरूरत नहीं है, दिस इज एग्जेम्प्टेड। अब हम बात करते हैं कि ये जो पैसा है, हम जैसे लोग सोचते हैं कि अरे ये पैसा जो है 6,000 5,000 में क्या फर्क पड़ता है, आइए हम दिखाते हैं कि 6,000 का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है।
अभी एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं आपके सामने कि एक गोल्ड बॉन्ड खरीदने के लिए हमको कितना पैसा चाहिए। 10 ग्राम खरीदने के लिए हमको चाहिए कोई 62,000 रुपीज चाहिए। वही चीज अगर हम किसी शोरूम में जाते हैं खरीदने के लिए, चाहे कॉइन्स की बात मैं कर रहा हूँ, कॉइन्स की, मैं ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कॉइन्स की अगर हम बात करें तो मेरे को 68,000 रुपीज लग रहा है। आज मैं खुद देखा, मैं आई वाज सरप्राइज कि वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी मेकिंग चार्जेस। कॉइन्स पे भी मेकिंग चार्जेस हमें देना पड़ रहा है, टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, तो हमारा 10% तो पैसा ऐसे ही चला गया। आई वॉज सरप्राइज। तो सोचिए कि 10% हम कॉइन्स पे दे रहे हैं और ये ज्वेलरी पे हमें कितना देंगे। ज्वेलरी पे तो और भी हमको ज्यादा देना है, उस पर जीएसटी है, मेकिंग चार्ज और भी ज्यादा है। तो अगर हम 60,000 का अगर मेरा ज्वेलरी है तो उसमें तो 20% का तो मेकिंग चार्जेज है, तो कितना हो गया, 12,000 ये हो गया, और जीएसटी आपका 18% है, कितना हो गया, 18% और ये 18 × 108, 11,000 वो हो गया, 11 और 12 कितना हो गया, 22,000। तो 60,000 पे 22,000 यानी 82,000 का जो आपने पे किया वो बेसिकली कितना कॉस्ट है, वो 60,000 है, यानी कि 22,000 रुपये वी आर लूजिंग, 22,000 रुपीज वी आर लूजिंग। ये हो गया ज्वेलरी के ऊपर, मतलब इससे ज्यादा भी है ये तो जो है। आप सोचिए कि कितना बड़ा अमाउंट है, 60,000 पे यानी कि 60,000 का 22%, 22,000, 60,000 पे 22,000 हम दे रहे हैं, तो 22,000 जो है कितना हो गया, ऑलमोस्ट 35% हो गया। 60,000 का 22,000 कितना हुआ, ऑलमोस्ट 35,000, 35% से ज्यादा हो गया। तो 35% पैसा हमने क्या कर दिया, हमने फेंक दिया, फेंक दिया भाई। और 35% अगर हम कहीं अच्छे जगह इन्वेस्ट कर दिए होते तो सोचिए कि हमारा पैसा कितना बचता। देखिए ज्वेलरी पहनना है तो अलग बात है, ज्वेलरी पहनने के लिए ऑफकोर्स हमें खरीदना पड़ेगा ज्वेलरी, बट इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जस्ट ए वेस्टेज ऑफ मनी है। और ये हमारा हमको दिमाग में लगता है कि अरे हम ज्वेलरी खरीद कर रख ले, ज्वेलरी खरीद के हम घर में रख ले, और ज्वेलरी खरीद के जितना पहनना को उतना ही हम पहनते हैं। आप कितना भी खरीद लीजिए ज्वेलरी, हम हमारे बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि अरे हम ज्वेलरी खरीद लेंगे तो हमारे पास अच्छा खासा हमारा कॉर्पस भी बना रहेगा और हमारा ज्वेलरी भी रहेगा। लेकिन क्या हम उस सही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा ज्वेलरी जो है हम बैक ऑफ द माइंड ये बात बना कर रखे हुए कि हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो कि हम अपने पैसे को बर्बाद करके रखे हुए हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, कि उस पैसे को आप कितना ग्रो कर सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूं इस एग्जाम्पल के थ्रू। अब मैं एक बात कर रहा हूं, जस्ट कॉइन्स की बात कर रहा हूं, जो आज मैंने देखा, लिटरली मैं जब देखा सामने एक 10 ग्राम के सिक्के पे 62,000 का सिक्का जो है हमें 68,000 रुपीज मिल रहा था, इंक्लूडिंग टैक्सेस और मेकिंग चार्जेस लेके। मैं ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट सिक्के की बात कर रहा हूँ उस पे। तो मैं सिंपल वो जो 6,000 रुपये मिला हमें, 6,000 रुपये की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो 6,000 मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, सिर्फ 6,000 मैं बात कर रहा हूँ। और ये 6,000 रुपये मैं मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं डाल रहा हूँ, नॉर्मल अपना निफ्टी इंडेक्स का जो मैं रिटर्न मैं ले रहा हूँ, ठीक है, 15%। ये जो है हमने डाल दिया कितना साल के लिए, 30 साल के लिए मैं डाल देता हूँ, 30 साल के लिए मैं छोड़ दिया। मैं ये पैसा वैसे भी हम एक बार जब खरीदते हैं तो ये पैसा तो गया है ना, अब हमें वापस मिलने वाला नहीं है, एक बार खरीद लिया तो गया, हमने इट्स लाइक हमने फेंक दिया। हमारे पास अगर सिक्का आ गया, सिक्का आ गया, सिक्का का तो वैल्यू है, लेकिन जो 6,000 एक्स्ट्रा दिया उसका तो कोई वैल्यू नहीं है, हमने तो फेंक दिया, वो तो कभी नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर अगर हम वो नहीं खरीदते हैं और डिजिटल बॉन्ड खरीदते हैं तो 6,000 रुपये हमारा बचता। इस 6,000 को अगर हम SIP सॉरी लमसम में डाल देते किसी इंडेक्स फंड के, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में, तो देखिए हमारा ये पैसा कितना बच जाता है, कितना बन जाता है। तो 30 साल डालिए, 40 साल डाल दीजिए आप, मैं 30 साल डाल के आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल समझाता हूं। ये देखिए ये जो पैसा हमारा बनता है 30 साल में, हमने डाला कितना, 6,000। ये वो पैसा है जो हमें जरूरत नहीं है, हम फेंकने फेंक दिए थे, हमने फेंक दिया था, और ये पैसा जो है हमको 30 साल के बाद 4 लाख रुपए हो गया, ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीज। कैन यू बिलीव दिस वन, कैन यू बिलीव, ये 4 लाख रुपए, 4 लाख हो गया। ये है 4 लाख, ये 4 लाख रुपए हो गया। सोचिए कि 6,000 रुपये जिसका हमें कोई वैल्यू नहीं, हम समझते हैं अरे क्या फर्क पड़ता है, चलता है,
4 लाख रुपए, आज के डेट में अगर कोई 4 लाख रुपए आपसे मांगे, दे पाएंगे क्या? कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा मेरे दोस्त। सबको पैसे चाहिए, लेकिन सब थोड़ी सी सूझबूझ से अगर हम काम करें तो हमारा ही पैसा हमारे लिए बहुत सारा काम करेगा। ठीक है, ये हो गया जो हम 6,000 रुपए के लिए देख रहे हैं। और अब बोलने वाले लोग ये बोलेंगे कि अरे, बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि अरे 30 साल में तो का आपको महंगाई भी काफी बढ़ जाएगा। तो उसके लिए भी हम बात कर लेते हैं कि महंगाई कितना बढ़ेगा। आइए तो हम देख लेते हैं, महंगाई का जो रेट है हर साल ऑलमोस्ट हमारा 6 से 7% का मान लेते हैं, जो इन्फ्लेशन जो हमारा है, ठीक है, 7% मान लेते हैं, 6 से 7% रहता है, मैं 7% मान लिया। 30 साल में हमारा जो है वो 6,000 कितना बन जाता है, 45,000, 46,000, 46,000 बनता है, लेकिन हमें मिला कितना, 4 लाख रुपए, उससे भी ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ज्यादा। तो सोचिए कि आज के टाइम में अगर आपको जैसे 6,000 रुपये आपने जो फेंक दिया, अगर वही कोई बोले कि 50,000 रुपये आप दे दीजिए फ्री किसी को, आप देंगे? कोई नहीं देगा। 50,000 रुपये का जो वैल्यू आज है आपके पास, हमारे पास, वही वैल्यू उस समय 30 साल के बाद 4 लाख का होगा। होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं। कितने लोग हम मेरे साथ हैं, कितने लोगों को ये आइडिया, ये चीज अच्छा लगा, आप लोग कमेंट में भी कीजिए कि ये चीज कुछ आपके फायदे के लिए है, आपके अच्छे के लिए है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। 20,000 जो हम बात कर रहे हैं ज्वेलरी पे, जो हम देख रहे हैं ज्वेलरी, जो 20,000 जो हम ज्वेलरी पे दे दिए, उस पे अगर हम देखें 30 साल में, क्योंकि एक बार ज्वेलरी भी ले लिए तो ज्वेलरी तो हम पहनने के लिए लेते हैं, मैक्सिमम टाइम में हम पहनने के लिए लेते हैं। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया तो सोचिए कि 30 साल तक अगर वो रखा तो हाउ मच ही लॉस्ट, आप देखिए। पहनने के लिए है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लिया तो हाउ मच ही लॉस्ट, ही लॉस्ट 14.5 लाख का नुकसान हुआ, सिर्फ वो 22,000 रुपये, सिर्फ 22,000। ऐसे तो कितने लोग लाखों करोड़ रुपए लेके लोग ज्वेलरी में इन्वेस्ट करके रखते हुए हैं। सोचिए कि 22,000 रुपये, 22,000 का भी शायद बहुत लोगों के पास कोई वैल्यू नहीं होगा, लेकिन उसका जो वैल्यू, रियल वैल्यू देखिए आपके सामने, बहुत बड़ा वैल्यू है। तो हमारा डिपॉजिट कितना हुआ, केवल 22,000, 22,000, 22,000, लेकिन हमारा ये 22,000 कितना बन गया, 14.5 लाख। मेरे भाई बहुत बड़ा अमाउंट है, 14.5 लाख, 22,000 ये छोटा दिखता है, बहुत लोगों के लिए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 14.5 लाख का तो सबके साथ फर्क पड़ेगा, सबके साथ। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक थोड़ा पसंद आया होगा। मैं मुझे चूंकि आज मैं गया मार्केट में और मुझे दिखा कि काफी लोग काफी भीड़ में, अलग अलग शोरूम में, अलग अलग ज्वेलरी शॉप में लाइन लगा के खड़े हैं कि कोई कॉइन्स लेने के लिए, कोई ज्वेलरी लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो ये चीज लगा कि मुझे लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस इस चीज में आना चाहिए, इसके लिए मैं ये टॉपिक उठाया और आज मैं इस पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज जो कि आम आदमी का लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालता है, ये छोटा छोटा चीज देखने में छोटा है बट ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ा चीज है। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे, मतलब ऐसा चीज जो सबके बेनिफिट के लिए, मैं भी सीखता हूँ, मैं भी देखता हूँ, मेरे लिए भी ये चीज है, सबके लिए अच्छा है। तो अगर आपको लगता है कि सबके लिए फायदा है, सबके काम का है, तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।